अक्षय कुमार की आने वाली फिल्म पृथ्वीराज चौहान इसकी कास्टिंग को लेकर काफी चर्चा का विषय बनी हुई है। फिल्म में अक्षय कुमार पृथ्वीराज का किरदार निभाएंगे और मुख्य विलन मोहम्मद गोरी के रोल में मानव विज दिखाई देंगे। मानव विज एक मंझे हुए कलाकार है और उनके मोहम्मद गोरी के किरदार को बाकी ऐतिहासिक फिल्मों के खलनायकों से अलग तरीके से पेश किया जाएगा। यह फिल्म पृथ्वीराज चौहान के पराक्रम को दिखाएगी, लेकिन बड़ा हिस्सा पृथ्वीराज और कन्नौज की राजकुमारी संयोगिता की प्रेम कहानी पर आधारित होगा। राजकुमारी संयोगिता के रोल के लिए मिस वर्ल्ड मानुषी चिल्लर को कास्ट किया गया है। अगर इतिहास पर यकीन करें तो पृथ्वीराज की चार रानियां थी, लेकिन फिल्म में सिर्फ दो को ही दिखाया जाएगा। प्रमुख रानी संयोगिता के किरदार में मानुषी होगी और दूसरी रानी के रोल के लिए किसी टीवी एक्ट्रेस को कास्ट किया जाएगा। अक्षय की इस मोस्ट अवेटेड फिल्म में संजय दत्त भी नजर आएंगे। संजय दत्त काका कान्हा की भूमिका निभा रहे हैं, जो पृथ्वीराज के चाचा होने के साथ ही एक महान योद्धा भी थे, जिन्होंने पृथ्वीराज की शुरुआती सैन्य सफलताओं में बड़ी भूमिका निभाई थी। अक्षय, मानुषी और संजय दत्त के अलावा फिल्म में दो और बड़े कलाकारों की एंट्री हो गई है। जी हाँ, फिल्म में सोनू सूद और मंझे हुए कलाकार आशुतोष राणा को कास्ट कर लिया गया है। सूत्रों की माने तो सोनू को फिल्म में पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि और उनके मित्र चंद्र बरदाई के किरदार में देखा जाएगा। चंद्र बरदाई ने ही पृथ्वीराज को मोहम्मद गोरी की हत्या करने में मदद की थी। वहीं आशुतोष राणा फिल्म में कन्नौज के राजा जयचंद का किरदार निभाएंगे। संयोगिता के पिता राजा जयचंद पृथ्वीराज चौहान को पसंद नहीं करते थे, लेकिन संयोगिता पृथ्वीराज के साहस और शौर्य की कहानी सुनकर उनसे प्यार करने लगी थी। जयचंद्र पृथ्वीराज को नीचा दिखाने के लिए संयोगिता के स्वयंवर में उन्हें आमंत्रित नहीं करते हैं, बल्कि उनका पुतला बनाकर दरबान के रूप में मुख्य द्वार पर खड़ा कर देते हैं। हालांकि संयोगिता इसी पुतले को वरमाला पहनाकर पृथ्वीराज को अपना पति स्वीकार कर लेती है। आपको बता दे, चंद्रप्रकाश द्विवेदी के निर्देशन में बन रही इस फिल्म में बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार ललित तिवारी भी एक अहम भूमिका निभाते नजर आएंगे। साथ ही भोपाल के रहने वाले कैलाश तोपनानी, जो कई फिल्मों और टीवी शो में नेगेटिव किरदार निभा चुके हैं, इस फिल्म में अक्षय के साथ नजर आएंगे। इस फिल्म से रिलेटेड और भी ताजा तरीन अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को